फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ पनीर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आजकल बहुत सी चीज़ें मिलावटी मिलती है। आप जो पनीर मार्केट से लेकर आते हैं उसकी प्योरिटी की कोई गारंटी नहीं होती। तो अगर आप पनीर मार्केट से ख़रीद रहे हैं या आपको लगता है कि घर पर पनीर बनाना टफ है, तो ये रेसिपी आपके लिए खास है। आप इसे मिनटों में तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पनीर बनाने के लिए हमें चाहिए वाइट विनेगर। ये अनफ्लेवर्ड होता है, उससे पनीर में फ्लेवर नहीं आता। पनीर मेकर आपके पास नहीं है तो आप कॉटन के कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक भारी उखली ली है। आपके पास नहीं है तो आप हैवी स्टोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट की, जिसके बिना पनीर बन नहीं सकता, वो है दूध। मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है। ये फुल क्रीम है। फैट वाले दूध से पनीर अच्छे से बनता है, तो कोशिश कीजिए आप फैट वाला दूध ही लें। मैंने दूध को गैस पे गर्म होने के लिए रख दिया है। ये अच्छे से गर्म होना चाहिए, नहीं तो पनीर परफेक्ट नहीं बनेगा। दूध अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें विनेगर ऐड करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे और उसे धीरे धीरे चलाएंगे। फ्लेम मीडियम पर ही रखेंगे। पनीर सुपर प्रोटीन फूड होता है। फिटनेस हो या बच्चे, सभी को इसको खाने की सलाह दी जाती है। तो अगर आप प्रोटीन डाइट को अपने मील में शामिल करना चाहते हैं तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें। दूध ने फटना शुरू कर दिया है। अब 2 टेबलस्पून विनेगर और ऐड करेंगे। 1.5 लीटर दूध में कम से कम 5 टेबलस्पून विनेगर लगता है। अब इसे धीरे धीरे चलाएंगे। अब हमें से 1 टेबलस्पून विनेगर और ऐड करना है। देखिए, दूध ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। पानी का कलर चेंज होने लगा है। हमें ऐसा ही कलर चाहिए। अगर पानी का पूरा कलर ग्रीन हो चुका है तो समझ जाइए हमारा पनीर तैयार हो चुका है। दूध अब पानी से बिल्कुल अलग हो चुका है। हम इसे 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। पनीर मेकर की सपोर्ट के लिए हम इस तरीके का स्टैंड यूज़ करेंगे। हम इस स्टैंड को मेकर के नीचे रखेंगे ताकि ये सरफेस को टच ना करे। अगर आपको ये मेकर बाय करना है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये हार्डली 300-400 रुपीज़ में मिल जाता है। अगर आपके पास मेकर नहीं है तो आप एक स्ट्रेनर पर कॉटन क्लोथ रख कर भी स्ट्रेन कर सकते हैं। इस तरीके से इसे दबा दीजिए और इसमें सारा पानी डालकर स्ट्रेन कर लीजिए। मैंने स्टैंड को सिंक के सेंटर में रख दिया है। अब मेकर को इस पे अच्छे से प्लेस कर देंगे। पनीर को मेकर में डाल के अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिए। पनीर से विनेगर का टेस्ट निकालने के लिए और इसे ठंडा करने के लिए 2-3 ग्लास पानी डालिए और इसे अच्छे से स्क्वीज कीजिए। अब ओखली को मेकर के ऊपर रख दीजिए। हम इसे ऐसे 20 मिनट्स के लिए रखेंगे। अब इसका कवर हटाकर देखते हैं। पनीर जम चुका है। देखिए कितने अच्छे से सेट हुआ है। मैं आपको इसको निकाल कर दिखाती हूँ। हम इसके साइड्स भी चेक करते हैं। देखिए एकदम परफेक्ट टेक्सचर आया है, सॉफ्ट और स्पंजी बना है, एकदम हलवाई जैसा। अब हम इसको कट करेंगे। देखिए ये कितने आसानी से कट हो रहा है, एकदम सॉफ्ट लग रहा है। मैंने इसे क्यूब्स में कट कर लिया है। ये पूरी तरह सेट हो चुका है। अब आप इससे अपनी कोई भी फेवरेट डिश तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और हाँ, अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।